मुझे लगता है कि जितने भी स्पीकर अब तक यहां पर आए हैं, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है और जितना हो सके उतना श्रीमान श्री बाला साहब ठाकरे जी के बारे में हो, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हो, भारत देश के बारे में हो और सनातन हिंदू धर्म के बारे में हो, इन तमाम बातों को बड़ी बारीकी से सबने कहा है और सुना है। मुझे लगता है कि अभी मेरे पास इतना तो कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए कि मैं आप सबको संबोधित करूं, लेकिन बात यह है कि जब हिंदू की आती है तो हम सबको कहना जरूरी पड़ता है। आज इस कार्यक्रम को बनाने के लिए मैं हमारे शिवाजी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पिछले कई सालों से मैं जिनके साथ कई सारे उनके कार्यक्रमों में या उन्होंने मुझे कई बार स्पीकर के तौर पर देश और धर्म के कार्यक्रमों में मुझे बुलाया है, ऐसे मेरे बड़े भाई गीतेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आने वाले दिनों में जब आपको ये मौका मिलता है कि देश की बात करना है या धर्म की बात करना है, सिर्फ बात करने से बात नहीं होती है, जब आपको मौका मिलता है कि अगर कोई लव जिहाद का काम करता है तो उन गद्दारों को जवाब देने के लिए हम सबको खड़ा होने की जरूरत पड़ना है, अगर कोई गौ रक्षा के खिलाफ काम करता है तो रोड पर उतरकर हम सबको एकत्रित होकर गौ माता को बचाने के लिए हम सबको एकत्रित होने की जरूरत पड़नी पड़ती है। देश की बात आती है तो देश के लिए एकत्रित होना है, धर्म की बात आती है तो धर्म के लिए एकत्रित होना है। अरे आज बाला साहब ठाकरे जी ने जब उन्होंने मराठी की बात कही तो लोगों ने कहा कि ये सिर्फ मराठीवादी नेता है, अरे लेकिन मराठों के लिए बाला साहब ठाकरे पैदा नहीं हुए, मराठों के लिए उन्होंने अपने धर्म को नहीं बचाया, मराठों के लिए अपने देश की बात नहीं करे, मराठों के लिए जब पाकिस्तान से टेररिस्ट आकर हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करते थे तो उन्होंने मराठों की बात नहीं की, अरे वानखेड़े स्टेडियम में जब मैच होता था तो उनको रोकने का काम सिर्फ मराठा समझ कर नहीं करते थे, उनको यह लगता था कि यह जो काम है हमारे देश का है, ये लोग ये देश के गद्दार है जो हमारे घर में घुसकर हमारे देश के लोगों को खत्म करने की कोशिश कर रहे। जब उन्हें लगा कि मैं मराठों की बात कर रहा हूं, दुनिया को और लोगों को लग रहा है कि ये सब मराठों का लीडर है, तब उन्होंने कहा कि मैं मराठा भी हूं और हिंदू भी हूं, इसलिए गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। ये जो बात कही थी आज पूरे देश को बताने की जरूरत है। अरे आज हम सबको देखना होगा कि आज सभी से मैं ये भी शुभकामनाएं देता हूं कि 500 सालों के बाद हम सबको कितने पीढ़ी आ गए, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी गई और आज जब जाकर कल वो पीड़ा खत्म हुई और रामलला अयोध्या में स्थापित हुए, हम सबको शुभकामनाएं देना चाहिए। आज मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बाला साहब ठाकरे जी का एक ही स्टेटमेंट मैं आप सबके सामने रखता हूँ और खत्म करता हूँ। जब आपकी अदालत में रजत शर्मा ने उनसे पूछा कि क्या बाला साहब ठाकरे की शिवसेना की पार्टी या बाला साहब ठाकरे जी का कुछ भी हाथ बाबरी मस्जिद या अयोध्या के राम मंदिर में तोड़ने में, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था हाथ नहीं मेरा पैर था, ये होता है हिंदुत्व का जो चर्चा अगर पार करने वाली है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपको देश और धर्म की जब भी आपको बात करना है, समय देना है, आपको बीच में रहकर काम करना है तो आइए हम सब मिलकर काम करेंगे और हमारे भाई शिवाजी भाई के साथ खड़े होकर उनका हौसला बुलंद करेंगे, आने वाले दिनों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। मैं गीतेश भाई का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय श्री राम। कल रामलला अयोध्या में बैठे हुए मैं भले ही समझता हूँ कि लोग यहाँ पर कम है,
लेकिन आवाज पूरे देश भर में जानी चाहिए। ये जो कार्यक्रम है यहाँ से जा रहा है तो तेलंगाना की, जैसे कि नीतीश जी ने कहा कि मराठा बोलते कि लो होती है, तेलंगाना होती कि हाई होती है, तो एकता दिखाना है। एकता कब दिखा सकते हैं? जब सभी लोग जाति और धर्म